आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू के पकोड़े। उसके लिए हमने आलू ले लिए, उनको हमने इस शेप में काट लिए और पानी में रख दिया है। दो आलू लिए थे, रेड चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, जीरा भुना हुआ 1/2 टीस्पून, बेसन 1/2 कप, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, बेकिंग सोडा 1 पिंच। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे बेसन, हल्दी, जीरा, सुरख मिर्च, नमक। इन चीज़ों को पानी की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बैटर तैयार कर लेंगे, गाढ़ा सा बैटर। इतना थिक सा बैटर हमें चाहिए था। अब हम लास्ट पे इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फौरन पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारी बारी पकौड़ों को डालेंगे। इस तरह एक आलू, इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। अब इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह हम तमाम आलू डाल देंगे कढ़ाई में और इनको हल्की आंच पे पकाना है ताकि आलू अंदर से पक जाएं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। हमारे मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े तैयार हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।